हाय गाइस, और कैसे हो? सब बढ़िया होंगे दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के अंदर दो परत पाई जाती है, बाहरी भीतरी। भीतरी परत के दोस्तों F1 एक क्रिस्टी या वलित भाग, छोटे छोटे वलित भाग पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं दोस्तों क्रिस्टी। ठीक है, F1 कण या उनको प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम भी बोला जाता है दोस्तों। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वृत्ताकार DNA द्विगुणित अगुणित रचना पाई जाती है। राइबोसोम इसके अंदर 70 इस प्रकार का होता है दोस्तों। जब दो लेयर पाई जाती है, बाहरी अंदर, उसके बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है, भीतरी और बाहरी परत के बीच में। क्रिस्टी वलित भाग भी पाया जाता है, F1 कण पाए जाते हैं या प्रारंभिक या ऑक्सीसोम। ठीक है, वृत्ताकार DNA या अगुणित DNA पाया जाता है, राइबोसोम 70 इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके अंदर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, यानी कि द्रव्य भरा रहता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स भी इसके अंदर पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी बाहरी परत सतत होती है और जबकि भीतरी परत असतत, यानी कि बिल्कुल समान नहीं होती, असतत होती है। इसकी दोनों परतों के मध्य रिक्त स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इसकी भीतरी परत अंदर की ओर वलित होती है और इसमें क्रिस्टी पाई जाती है, जो F1 या प्रारंभिक कण। क्रिस्टी पर कहीं रैकेट नुमा संरचनाएं होती हैं, उपस्थित होती हैं, जिन्हें F1 कण बोलते हैं या प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम बोला जाता है। आप इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसकी भीतरी परत के अंदर की ओर भरे हुए द्रव क्या बोलते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स। जब इसके अंदर भीतर कोई द्रव पाया जाता है, उसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स में DNA और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, RNA फॉस्फोलिपिड प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य क्या है इसके? यह कोशिका के भीतर श्वसन क्रिया संपन्न करता है। कोशिका के भीतर श्वसन क्रिया, श्वसन रेस्पायरी सिस्टम संपन्न करता है दोस्तों, और करके क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, AMP की बात करते हैं दोस्तों। यह ऊर्जा मानव शरीर में ATP के रूप में संचित होती है या संग्रहित होती है। किसके रूप में? मैंने पहले ही बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के पहले एक वीडियो और बनाई है। AMP की बात करते हैं तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ATP की बात करते हैं एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, और ATP की बात करते हैं तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, तो इसके अंदर काम आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्वसन क्रिया निम्न चार पदों में संपन्न होती है। चार प्रकार से श्वसन क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस, वायवीय अवायवीय, वायु से और बिना वायु से, श्वसन में समान। ठीक है, पाइरुविक अम्ल, जो पाइरुविक अम्ल होता है उसका वायवीय ऑक्सीकरण, उसके बाद में क्रेब्स चक्र से भी होती है और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से श्वसन क्रिया चार पदों में होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, पाइरुविक अम्ल और क्रेब्स चक्र और ETS चक्र। ठीक है दोस्तों, श्वसन पद इसको ग्लाइकोलाइसिस में, ये कहाँ पे क्रिया होती है? क्रिया इसके लिए कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ऊर्जा इसकी ATP या ATP है दोस्तों, 8 ATP। ठीक है, पाइरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण होता है दोस्तों पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और 6 ATP इसका ऊर्जा है दोस्तों। क्रेब्स चक्र की बात करते हैं तो ये होती है दोस्तों मैट्रिक्स के अंदर, और इसका ऊर्जा चक्र 24 ATP या 24 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कुल 38 या 36 ATP एनर्जी प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके जो नोट है कि इस क्रिया में एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, इस क्रिया में एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया हेतु उत्तरदायी सभी एंजाइम मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, जबकि एक एंजाइम इसकी भीतरी परत में स्थित होता है, जिन्हें सक्सेनिक डिहाइड्रेज कहते हैं। एक अणु अंदर उपस्थित होता है मैट्रिक्स में, उसको क्या बोलते हैं? सक्सेनिक डिहाइड्रेज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, श्वसन क्रिया हेतु उत्तरदायी सभी एंजाइम मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं,
जबकि एक एंजाइम इसकी भीतरी परत में स्थित होता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। आपको अगर कम समझ में आए हो एक बार और रिपीट कर लो, देख लो, अवश्य समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।